देवास जिले के अंतिम छोर पर सावन महीने में मां नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर से भगवान सिद्धेश्वर पर जल अभिषेक करके बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष बड़े ही संक्षिप्त रूप में शिव भक्त कांवड़ यात्रा का संक्षिप्त स्वरूप कर परंपरा को जीवित रख रहे हैं। मां नर्मदा के मिर्जापुर इमली घाट से सिद्धेश्वर कांवड़ यात्रा के संयोजक दालचंद जाट ने प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां नर्मदा का पूजन अभिषेक कर 37 किलोमीटर की कांवड़ पद यात्रा का शुभारंभ किया। उनके साथ सिद्धेश्वर कांवड़ यात्रा के नर्मदा भक्त पद यात्रा में शामिल हुए हर हर नर्मदे के जय घोष करते हुए 37 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए पदयात्री सिद्धेश्वर कांवड़ यात्रा नर्मदा के नाभि स्थल नेमावर पहुंचे, जहां कांवड़ यात्रा में नारायण नेने, शुभम चार, नीरज बाना, राजू पटेल, कमल गुर्जर, राहुल धनगर, भुजराम धनेरिया, संतोष राव, भक्तराज जाटा, मां नर्मदा और बाबा सिद्धेश्वर का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया गया। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। कौन सा वर्ष है आपके कांवड़ यात्रा का? ये हमारी श्री सिद्धेश्वर कांवड़ यात्रा का दूसरा वर्ष है और सोशल डिस्टेंस को देखते हुए प्लस महामारी को देखते हुए एक संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने ये यात्रा निकाली है और आज बाबा सिद्धनाथ का अमावस्या के दिन सावन सोमवार के दिन इस पावन पर्व के अंदर जलाभिषेक किया है और बाबा से प्रार्थना की है कि वो हमारे सारे साथियों को, सारे क्षेत्र को कोरोना से मुक्त रखें, साथ ही साथ उन्हें समृद्धि दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। कितने किलोमीटर की आपकी पदयात्रा थी? ये हमारी यात्रा करीब 37 किलोमीटर की यात्रा थी और चूंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार हमने थोड़ा सोशल डिस्टेंस के कारण उसको शॉर्टकट किया है और आज ये यात्रा सिंगल डे के अंदर हम लोगों ने पूरी करी है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये भव्य रूप से हम लोग निकालेंगे।